ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ। भिड़े, ये ले तेरे स्कूटर की चाबी। थैंक यू पोपटला। गुलमोहर गार्डन के पार्किंग में पूरे 25 रुपए देकर पार्क किया। पार्किंग स्लिप पैसे मैंने दे दिए। जा ले आ। ओह थैंक यू पोपटला। कितनी गोड़ बगा, पहले ही पोपट भाऊजी को बता दिया होता कि आपसे छाता खो गया है तो ये सब नौबत ही नहीं आती ना। हाँ वो खरच चुकलस माजा। आई एम सॉरी पोपटलाल, ये लो तुम्हारा, मतलब तुम्हारा नहीं लेकिन तुम्हारे जैसा छाता है, ये लो। इसे मैं नहीं रख सकता। हा? अरे पोपटलाल तुम ही समझाओ माधवी। पोपट भाऊजी वैसे भिड़े एक बात है, आज हम दोनों की लापरवाही से मेरे जिगर का टुकड़ा खो गया, उसके लिए मैं अपने आप को और तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। क्या? अरे पप्पू की कह रहे हैं यार। नहीं पोपट भाई, ये अब क्या कह रहे हैं? ऐसा मत करिए प्लीज। हाँ अरे भाई ऐसा क्यों कर, मैं मानता हूँ मेरी गलती हुई है भाई, ऐसा मेरे लिए गैर है, मैं किसी भी पराये छाते को नहीं खोल सकता। ओ पप्पू ये सब मत कर यार, मान जा मेरी बात, आजा आजा इतने आजा, नहीं तो बारिश में भीग जाएगा। नहीं करेंगे। पटलाल भाई को कैसे रोकेंगे? ओ, छाता जब तक नहीं मिलेगा तब तक पोपट भाई नहीं मानेंगे। पोपटलाल ऐसे ही भीगते रहोगे, बहुत भारी जुकाम हो जाएगा, निमोनिया भी हो सकता है। अंदर आ जाओ भाई। बराबर, आ जाओ पोपटलाल भाई। ये बारिश नहीं, मेरे दिल के आंसू है। अरे लो मुझे अपने ही आंसुओं में भीगना दीजिए। पोपटलाल अगर तुम्हें कुछ हो गया, भगवान न करे, तुम्हें अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भाई। मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसे ही भीगता रहूंगा। ये काय विचारतो है, काय बोलतो है? नहीं नहीं पोपट भाई मत रोइए, ऐसी प्रतिज्ञा कोई लेता है पोपट भाई? अरे ए, पोपट भाई बात तो सुनो भाई, अरे ऐसे क्यों कसम दिला रहे हो भाई? अरे दया क्या तूने मुझे दुकान से बुला लिया? ये पोपटलाल तो यह मस्त बारिश का मजा ले रहा है। अरे नहीं तो उसके हाथ में वो किसका छाता है? ये उनका नहीं है, वो क्या है, भीड़े भाई से पोपट भाई का छाता खो गया ना, इसलिए भीड़े भाई ने पोपट भाई को नया छाता दिया है। हाँ। अरे ये पोपटलाल ये क्या बचपना है भाई? जेठालाल मेरे पास बता रहा, तुझे जो कुछ कहना है छाते में आके बोल। हाँ हाँ। नहीं तुम्हारा छाता मेरे लिए गैर है। अच्छा
ठीक है, छाता घर है पर मैं तो घर नहीं हूँ ना भाई। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो छाते से बाहर निकल कर बात करो। अरे भाई ये क्या बचपना कर रहे हो तुम यार पोपटलाल, आ जाओ ना भाई छाते में। अरे जेठालाल अब छाते के नीचे बुलाने से क्या फायदा, वो ऑलरेडी छत के नीचे पहुंच गया है। अरे भाई यार, अरे पोपटलाल, पोपटलाल ये क्या भाई है, क्या कर रहे हो यार तुम? अरे सब लोग अपना काम धंधा छोड़ के इधर कंपाउंड में आ गए, तुम ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने किसी को नहीं बुलाया, सब अपने अपने काम धंधे पर चले जाओ और तुम भी अपनी दुकान पर चले जाओ, छाता छोड़ दो। जेठालाल, जेठा जी संभाल के। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू बबीता जी। जेठालाल तुम बहुत गीले हो गए हो, साइड में खड़े रहो नहीं तो हमको भी गीला कर दोगे। थैंक यू बबीता जी। पोपटलाल बात को समझो भाई, तो पोपटलाल का छाता है। पोपटलाल तुम्हारा छाता देखो, अरे ये छाता तुम्हारा है, देखो ठीक से देखो, वो हैंडल में लाल कलर की रिबिल बंधी हुई है, देखो वो, देखो देखो चला गया था रे, पता है मेरी क्या हालत हो गई थी और मेरी भी। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरा बिछड़ा हुआ छाता मुझे वापस मिल गया। नहीं नहीं नो थैंक यू भाई, है छाता तुम्हारा नहीं है, छाता तो भागा का है। बारिश हो रही थी वहाँ पे तो बाघा ने मुझे दुकान में से निकल के दिया ये छाता भाई। अरे मेरा छाता बाघा के पास कहाँ से आएगा भाई, मैं सब जानता हूँ जेठालाल, ये तुम्हारी और भिड़े की मिली भगत है। मिली कौन और भगत कौन? यार भाई पोपटलाल ये कहना चाह रहा है कि जेठा भाई और भिड़े मास्टर आपस में मिले हुए हैं। अरे क्या मिले हुए? ओ पोपटलाल, मेरी और भिड़े की मिलीभगत कैसे हो सकती है? तेरा भिड़े के साथ झगड़ा हुआ तभी मैं तो दुकान में था, मुझे तो तेरे इस कांड के बारे में पता ही नहीं था, वो तो दया ने मुझे फोन किया तभी पता चला और मैं दुकान से यहाँ आया। वो मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा छाता तुम्हारे पास मिला है, इसका मतलब है इस कांड में तुम भी शामिल हो। अरे पोपटलाल छाता दे दो, अरे छाता, ये छाता बाघा का है। जेठालाल मैं अपने छाते को लाखों छातों में से पहचान सकता हूँ। अरे तुमने कहा अपने छाते को पहचाना, तुम्हारे छाते को तो भीड़े ना पहचाना। जेठालाल ये मेरा ही छाता है। छाता नहीं दूंगा, छाता। अरे छाता दे। नहीं दूंगा, ये मेरा ही छाता है जेठालाल, नहीं दूंगा। छाता दे, छाता दो पोपटलाल। नहीं दूंगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
जेठालाल छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दिया ले, चल ना छाता। अरे जेठालाल, नहीं 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 दूंगा, जेठालाल नहीं दूंगा, अरे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा जेठालाल, नहीं दूंगा। अरे अरे छोड़ो, अरे यार तू भी कमाल कर रहा है। और जेठालाल तुम क्यों बात को खींच रहे हो भाई? सारे फसाद की जड़ ये छाता है। मान लो ये छाता बाघा का है तो दे दो ना पोपटलाल को, क्या फर्क पड़ रहा है, बात खत्म हो जाएगी। हाँ लेकिन क्यों दे तू? अरे क्या बाघा का है भाई, ये छाता मेरा है। बस बस पोपटलाल बस। अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसलिए ज्यादा सर पे मत चढ़ो। अब गोकुलधाम सोसाइटी में तुम्हारी गुंडागिरी नहीं चलेगी। पहले बेचारे भिड़े का स्कूटर गुम कर दिया, अभी मेरा छाता हड़पना चाहते हो, बस बहुत हो गया। मैं गुंडागिरी नहीं कर रहा हूँ, तुम दिन दहाड़े डकैती कर रहे हो। मतलब मैं क्या डाकू? तो क्या मैं गुंडा हूँ? बात बढ़ती ही जा रही है। टप्पू के पापा, शांति रखिए, एक मिनट, पोपट भाई शांति रखिए। देखिए टप्पू के पापा, वैसे भी ये छाता बाघा भाई का है ना? हाँ। तो बाघा भाई को यहाँ बुला के पूछ लेते हैं, फिर पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ बरोबर है, ठीक है। आते भाई एक मिनट फोन करने दीजिए। भाई मुझे भी छोड़ दीजिए। अरे भाई सॉरी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, छोड़ दे मुझे। पक्का? हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बाका, तू अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ जा। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई बहुत लंबी कहानी है, तू इधर आ फिर बताता हूँ, आ जा। लेकिन सेठ जी मैं काम छोड़ के कहानी सुनने नहीं आ सकता, मेरे लिए काम ज्यादा जरूरी है। ए, काम वाली भाई बोला उतना करना, ज्यादा लफ मत कर, तू आना भाई इधर जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी में। अरे वाह सेठ जी, आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, सभी सुनने आ गए, स्टार्ट कीजिए। तू मुझे क्या, सबको बता दे दुकान से निकलते वक्त तूने मुझे जो छाता दिया था वो तेरा है ना, बता दे सबको। नहीं नहीं सेठ जी, वो छाता मेरा नहीं है। आ, देखा चोरी पकड़ी गई ना, ये छाता बाघा का नहीं है, मेरा है। क्या डाकू, पकड़ी गई ना चोरी? एक मिनट शांति रख भाई, बाघा छाता तेरा नहीं तो फिर किसका? सेठ जी मैं आपको बताता हूँ, दोपहर को ठीक 2 बजे का वक्त था, मैं और नट्टू काका रात को पद्मावती भोजनालय में क्या मिठाई होगी इस बात पे चर्चा कर रहे थे। नट्टू काका ने कहा कि रात को मिठाई में गुलाब जामुन होंगे, और मैंने कहा गुलाब जामुन? अरे भाई गुलाब जामुनी को छोड़ने, छाते के बारे में बता। सेठ जी मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, वो हुआ यूँ के 200 रुपए का रिचार्ज मिलेगा? हाँ मिलेगा ना भाई, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। आप एक काम कीजिए, आप इस पे आपका नंबर लिख के दीजिए। हो गया, अभी आपको SMS आ जाएगा। ये ले लाइए। बागा 500 का नोट चेक करके ले, आजकल मार्केट में 500 का नकली नोट बहुत घूम रहे हैं। बराबर है नट्टू काका, ये नोट नकली है। क्या बात कर रहे हो? हाँ ये देखो, इसमें वो जो वो पतली डोरी जैसा होता है ना वॉटर मार्क, वो नहीं है, देखो। इसे दूसरे पैसेंजर ने चिपका दिया लगता है। अरे तो आप हमें क्यों चिपका रहे हो, आप दूसरा नोट दीजिए। मेरे पास तो सिर्फ 120 रुपए है साहब। अरे भाई तो पहले बोलना चाहिए ना। तो अब तो आपने रिचार्ज भी करवा लिया, अब क्या करोगे? ऑटो में कुछ पैसे पड़े हैं? एक मिनट साहब। ये मेरा छाता है, 250 रुपए का है, रख लीजिए। अरे आपका छाता लेकर हम क्या करेंगे? लेकिन नट्टू काका इसके पास दूसरे पैसे भी नहीं है। सच्ची कसम से मेरे पास दूसरा पैसा नहीं है। अगर हम इसका छाता नहीं लेंगे तो दुकान को 200 रुपए का घाटा हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो राइट, ले ले। और देखो भाई आगे से आप भी पैसेंजर से नोट चेक करके लेना। हाँ शुक्रिया साहब, कल पूरा पैसा देके छाता लेके जाऊंगा। और सेठ जी जब दुकान से सोसाइटी आने के लिए निकले तब बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए ये छाता मैंने सेठ जी को दिया। अरे ये हो गया पूरा, ये देखो। ओ पप्पू वाह भाई वाह, क्या किस्मत पाई है तेरे छाते ने। पहले पिडू के पास, पिडू के पास से ऑटो वाले के पास, ऑटो वाले के पास से जेठाबरा के पास, और जेठाबरा के पास से वापस तेरे पास। आएगा ही ना,
भाई मेरा छाता भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करता हूँ। वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। भाई मैंने गुस्से में आकर किसी को कुछ भला बुरा बोल दिया हो तो सॉरी। okay. भाई भिड़े तुझे भी सॉरी, जेठालाल तुम्हें भी सॉरी, मेरी तरफ से भी सॉरी पोपटलाल। ठीक है हाँ, और मेरी तरफ से भी भाई सॉरी। सेठ जी छाता पोपट भाई का निकला, उसमें हमारा तो 200 रुपए का नुकसान हो गया ना। पोपट भाई 200 रुपए दीजिए। मैं क्यों दूं? मैं भिड़े देगा 200 रुपए? मेरा छाता वो भूल गया था ऑटो में। हाँ भाई हाँ। देखो भाई भिड़े पोपटलाल तुम दोनों आपस में तय कर लो भाई, तुम दोनों के झगड़े की वजह से मैं धंधे में 200 रुपए घाटा सहन नहीं करूंगा भाई। अरे भाई जेठालाल छोड़ो ना 200 रुपए के घाटे को, छाते के मिलने की खुशी में मैं तुम्हें जलेबी फाफड़ा की पार्टी दूंगा। हाँ जेठालाल चलेगा ना? कितना 200 रुपया? अभी भाई इसने दुख की नस पे हाथ रख दिया, अभी क्या करूँ 200 रुपया लेके। अरे भिड़े भाई ये नया छाता लाया उसका क्या करना है? अब्दुल चिंता मत कर, वैसे भी मुझे नया छाता खरीदना ही था। ये ले भाई ये 200 रुपया। 200 रुपया? जेठा भाई ये छाता मैंने 250 रुपए में खरीदा। 250 तो नया छाता का ना, अभी ये तो सेकंड का माल हो गया। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ अब्दुल, ये ले भाई 250 क्या है, ले 100 रुपया और 300 रख। नहीं नहीं जेठा भाई हिसाब तो हिसाब होता है, ये ले 50। वाह वाह अब्दुल वाह, थैंक यू भाई थैंक यू। चलो भाई सब ठीक हो गया, सबका हिसाब भी बराबर हो गया, अब ऑफिस जाए, देर हो रही है भाई मुझे, बॉस इंतजार कर रहे होंगे। हां मैंने गैराज में बहुत सारे काम है, चलो चलो मैं सबको छोड़ देता हूं। अच्छा सेठ जी मैं भी दुकान चलता हूं। हां ओ बागा ओ तेरे को छोड़ते हुए भी चला जाऊंगा यार, चल चल चल। नहीं नहीं सोडी भाई थैंक यू, क्या है मुझे रास्ते में कुछ काम है। बीच में क्या काम है बावरी? सोटी इसको सीधा दुकान ही छोड़ा। भाई जेड़ा बड़ा तुझे बिल्कुल चिंता ना करो, वो बागा को दुकान के अंदर तक छोड़ के आऊंगा। चलो भाई चलो 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 आओ। जैसा नहीं नहीं मेहता साहब आप लोग निकलिए, मुझे तो ये कपड़े गीले हो गए, थोड़े घर जाके कपड़े बदलने पड़ेंगे। चलो भाई अय्यर भाई आपको चलना है? भिड़े चल तेरा स्कूटर लेकर आते। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे वो साइकिल भाड़े से लाया था, वो वापस करनी पड़ेगी ना। अरे हाँ 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 आजा आजा आजा। हाँ तू चला। हाँ बात है। आजा बैठ गए। हाँ चल ये चला। चलो मैं लेके आता हूँ स्कूटर। संभाल के संभाल के। ओके वो हेलमेट क्या पहन लो भाई? हो हाँ हाँ तेरे भाई और पोपट भाई को एक साथ जाते देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ। देखिए ना कोई कह सकता है कि आज सुबह ही इन दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है। हाँ। अंजलि भाभी यही तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की खासियत है। हाँ। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। हाँ। और हर परिवार में थोड़ी खींचतानी और थोड़ी नोकझोंक तो होती रहती है ना। हाँ। और मैं तो कहती हूँ भगवान करे हम सबके बीच में हमेशा ऐसा ही प्यार बना रहे। बिल्कुल सही बात, इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। पल में तोला पल में माशा, यही तो है गोकुलधाम की भाषा भाई, यही हमारे गोकुलधाम की पहचान है। यहाँ के सदस्यों में कितना ही बड़ा बवाल, कितना ही बड़ा बखेड़ा, कितनी बड़ी बहस कर हो जाए लेकिन दोस्ती को हाथ नहीं आती। ऐसे ही अनूठे और अनोखे किस्सों का सिलसिला जारी रहेगा, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.